हो गए 1.5 के लाइफ। मैंने तुम लोग को बोला था, तुम लोग ने पूरे कर ही दिए। वैसे काफी जल्दी कर दिए तुम लोग ने, पर भाई जैसा मैंने वादा किया था वो वादा मैं आज पूरा कर रहा हूँ। और आज हम लोग खेलने वाले हैं रॉयल रंबल मैच इन WWE SVR 2011। तुम में से काफी लोगों की तो दिली तमन्ना आज पूरी होने वाली है, क्योंकि मैं फाइनली रॉयल रंबल खेलने जा रहा हूँ काफी टाइम के बाद। तो आज हम लोग आ गए हैं गेम के अंदर, और नीचे नीचे और नीचे और नीचे, और ये रॉयल रंबल 10-man रॉयल रंबल। तुम लोग को क्या लगा 30-man रॉयल रंबल खेलूंगा, पागल हूँ क्या मैं? उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और तुम लोग ने सब्सक्राइब भी कहाँ पे किया है? इतने सब्सक्राइबर में इतना ही मिलता है, समझे क्या? ये धोखा ये। और गाइस यहाँ पे हमने अपना नंबर वन एंट्रेंस रख लिया है जॉन सीना को। एंड इट्स टाइम फॉर अ रॉयल रंबल मैच। ये है वो 3 मैजिकल वर्ड्स जिनको सुनने के लिए हम साल भर वेट करते हैं, कि नहीं? नहीं। अच्छा देखो भाई, ये किसको सुना रहा है, किसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है मैच के? हमको। रेसलमेनिया हमारे हैं, और यहाँ पे हमारी नंबर वन एंट्री जॉन सीना की, पूरा का पूरा WWE यूनिवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स हर कोई वेट कर रहा है इस रॉयल रंबल के स्टार्ट होने का। यस, यू कैन सी मी। और देखना अब ये है कि नंबर दो पे कौन आता है। ओ कैन भाई, इससे ज्यादा अच्छा नंबर दो और कोई नहीं हो सकता था आई गेस। तो यहाँ पे हमारे कैन भाई साहब आ चुके हैं। नंबर वन पे जॉन सीना, नंबर टू पे कैन। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आगे। और यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, रॉयल रंबल मैच। और गाइज इस बार मैंने अपनी डिफिकल्टी इजी पे नहीं, नॉर्मल पे रखी है। जी हाँ गाइज, इस बार फाइनली हम लोग ने नॉर्मल डिफिकल्टी पे खेलना चालू कर दिया है। वरना तुम लोग बोलते हो भाई इजी पे खेलते हो, इजी पे। इसके पहले मेरे को नहीं आता था यार डिफिकल्टी को हार्ड करना। और यहाँ पे 3 नंबर पे देखो कौन आया, रैंडी ऑर्टन। ये कहाँ से आ गया भाई? और ये देखो देखो देखो, दौड़ के आ रहा है, दौड़ के। इतना स्पीड दौड़ के कौन आता है? ओ नहीं नहीं, हम लोग को ऐसे नहीं एलिमिनेट करना भाई। अगर हमारा फिनिशर आएगा तो हम एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के इसको उतने अपने कंधे पे बैठा के बाहर फेंकेंगे, उसमें ज्यादा मजा आता है। इसमें देखो कोई मजा नहीं है धक्का मारने में। अबे छोड़ कैन को। और गाइस नंबर 4 पे एज आ गया है, और उसी के साथ कैन भी एलिमिनेट हो गया है भाई। ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई भाई कैन के साथ में। भाई कैन जैसा बंदा रैंडी ऑर्टन से एलिमिनेट हो गया। डोंट अंडर एस्टिमेट रैंडी ऑर्टन। ये देखो ये देखो भाई, रैंडी ऑर्टन तो मेरे को भी मार रहा है, मेरे को भी एलिमिनेट करेगा क्या? ना ना भाई, हम नंबर वन पे आए हैं तो फिर इस रॉयल रंबल मैच को जीत के ही जाएंगे। ये लो यहाँ पे एज भी आ चुका है। ओ अब मारा इसको भाई। नंबर 5 पे आ गया है बटिस्टा। भाई सारे के सारे WWE लेजेंड आ रहे हैं यार इस मैच में। और भाई हम लोग चढ़ चुके हैं टॉप रोप पे, और ये पोपट हो गया, सीधा मुंह के भल गिरा जॉन सीना। अरे एज रैंडी ऑर्टन को छोड़ दे यार, ऐसे मजा नहीं आता एलिमिनेशन का। ये छोड़, ओ एक बार फिर से टॉप रोप पे चढ़ के मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, मेरा मुंह फूट गया। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का तो सब कुछ फूट गया, एलिमिनेट हो गया बेचारा। एज तेरी ऐसी की तैसी, क्या तुम लोग ऐसे एलिमिनेट करते हो? कैंसिल कैंसिल, हम लोग को ऐसा बच्चों की तरह एलिमिनेट नहीं की करना है, जबरदस्ती उसको फेंकने का है बाहर। हम लोग का जब फिनिशर आएगा तो उसको कंधे पे उठा के ऐसे पकड़ के फिर फेंकेंगे, उसका मजा ही अलग। भाई यार मैं एलिमिनेट करते करते रह गया बटिस्टा को, बटिस्टा अभी अभी आया ना तो इतना जल्दी एलिमिनेट नहीं होगा। और नंबर 6 पे देखो कौन आ गया, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। भाई अपना फिनिशर आ गया, अपना फिनिशर आ गया। मेरे को मार मत, अभी एक उठा के एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दूंगा ना तो शांत हो जाएगा। भाई स्टोन कोल्ड का तुम लोग को याद है ना लास्ट टाइम जब हम लोग ने 1 vs all किया था WR 2D में? अरे भाई दोनों के दोनों मिलके मेरे को मार रहे हो, शर्म करो भाई। नंबर 7 पे हमारे आ चुके हैं HBK। भाई मेरे को है ना इसमें ना शॉन माइकल्स का है ना वो देखना है, शैनचिन म्यूजिक इसमें कैसा देता है। भाई मेरा फेवरेट फिनिशर है वो, फेवरेट फिनिशर्स में से एक है वो, तो उससे मेरा क्या फायदा। और यहाँ पे जॉन सीना धपा धप देते हुए सबको। और नंबर 8 पे देखो कौन आ रहा है, मिस्टीरियो। और उससे पहले ये देखो यार, जब दो लोग मिलके एक को मारते हैं ना तो फिर मेरे को पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत दर्द करता है।
किसी के साथ में बुरा होते देख हमको रहा नहीं जाता भाई। ये रैम स्टीरियो कहाँ से आ गया, कहीं पे तो पीछा छोड़ दे हम लोग का। चल अब आ ही गया है तो फिर इस रॉयल रंबल मैच को जीत के दिखा। चल तू अगर टॉप थ्री में भी आ गया ना तभी भी तेरे को मान जाऊंगा मैं। वैसे रिंग खाली नहीं हो रहा भाई, 10 लोग के रॉयल रंबल में इतना भर गया रिंग। वैसे हमारी ही गलती है, हम बच्चों की तरह किसी को धक्का दे के नहीं एलिमिनेट कर रहे। बात तो सही है हम फिनिशर मार के एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे हमने फिनिशर लगा भी दिया है HBK को। क्या फिनिशर था भाई, ये देखो रैम स्टूडियो, बाकी सब तो बच्चों की हरकत करते ही है, ये बच्चा भी बच्चों की हरकत कर रहा है। ये लिया फिनिशर और ये पटका। अभी तेरी रैम स्टूडियो ने भी एलिमिनेट कर दिया, किसको किया, एच को। और ये मैं वापस से ऊपर चढ़ा और इस बार अपना फेल नहीं हुआ। तो गाइज मैं एक फैक्ट बताना चाहता था, तो गाइज वो फैक्ट ये है कि जिस साल का हम लोग ये रॉयल रंबल खेल रहे हैं ना, उस साल एज ने नंबर 30 पे आके सरप्राइज एंट्रेंस दिया था और उसी ने जीता था वो मैच। अच्छा, और यहाँ पे देखो एज का क्या हालत हुआ। ये भगवान क्या जुलूम है। और हम लोग ने यहाँ पे एक बार फिर से HBK को लगा दिया है अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट। आज तो भाई इसके सारे एटीट्यूड को हम लोग एडजस्ट कर देंगे। और नंबर 9 पे आ चुका है शेमस। भाई शेमस कहाँ से आ गया भाई, 10 मैन का रॉयल रंबल मैच है, सारे अच्छे अच्छे, मैंने सोचा था ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस उन लोग का तो कोई अता पता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं गाइस, शेमस भी उतना बुरा नहीं है। जिस साल का ये गेम है उस टाइम पे हमारा शेमस रॉक स्टार था WWE का। भाई मेरा फिनिशर आ गया, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि एलिमिनेशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे किया जाता है। बस ये बटिस्टा एक बार उठ के खड़ा हो जाए। चलो उससे पहले हम लोग शेमस पे ट्राई मारते, यही एलिमिनेट हो जाए तो। ओ क्या करता है रे तेरी तो, ये उठाया कंधे पे भाई, ये होता है एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं असल मायने में एलिमिनेशन। ये देखो देखो ये बच्चा क्या हरकत कर रहा है भाई, ये देखो दो के दोनों वही कर रहे हैं। अरे शर्म करो यार, शर्म करो भाई। वैसे 10 नंबर हो गए क्या पूरे, 10 नंबर तो पता नहीं, शेमस का टाइम पूरा हो गया था, इसका मतलब 10वां नंबर अभी आना बाकी है को। और यहाँ पे काउंटर चालू हो गया, 5, 4, 3, 2, 1, कौन है आखिरी एंट्रेंस। ओ भाई इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग, बिग शो तो ऑल टाइम बेस्ट रेसलर है WWE का। और बिग शो के आने से पहले ही हम लोग ने एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के एलिमिनेट कर दिया बटिस्टा को। एक रैम स्टीरियो, एक जॉन सीना, एक बिग शो, तीनों रेसलर हाइट वाइज है, एक सबसे छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। भाई उस टाइम पे तो द ग्रेट खली भी थे। और यहाँ पे तीन तीन रेसलर्स फाइनली टॉप थ्री में। यार तुम लोग को याद है मैंने थोड़ी टाइम पहले क्या बोला था कि रैम स्टीरियो अगर टॉप थ्री में भी आ जाएगा तो मैं इसको मान जाऊंगा, और ये फाइनली आ गया भाई टॉप थ्री में, मान गए, आपको सैल्यूट है रैम स्टीरियो को। और ये भाई फिनिशर लगा दिया है मैंने, रैम स्टीरियो का यहीं पे एलिमिनेट होता है। और यहाँ पे आखिरी के दो रेसलर्स बचे हैं, एक जॉन सीना सामने बिग शो। भाई बहुत ही अच्छा ये मैच रहा नहीं है, अभी भी मैच चल रहा है और हमारा रैम स्टीरियो बेचारा लंगड़ाते जा रहा है। और ये कंधे पे उठाया भाई, भारी भरकम आदमी को कंधे पे उठाकर बाहर फेंक दिया। इसी के साथ इस रॉयल रंबल का विजेता है जॉन सीना। क्या मैच था गाइस, 10 मैन के रॉयल रंबल मैच में भी तुम लोग को 30 मैन के रॉयल रंबल वाला फील आया कि नहीं। अगर आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंजॉय करो जॉन सीना की विक्ट्री को। सब्सक्राइब दिस।